यस, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज प्रवीण ऐश्वर्या और शुरुआत करेंगे आज नवंबर मंथ के करंट अफेयर से। और ये करंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड है हमारा, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के लास्ट वीक का ये हमारा करंट अफेयर्स। और इसमें देखेंगे कि किस तरह के करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं, पहला करंट अफेयर्स यहाँ पे, और ये हमारा पहला है गुलाग की घोल फिश, डिक्लेयर स्टेट फिश ऑफ गुजरात, है ना। तो गुजरात का स्टेट फिश घोषित किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे जी जी फॉर गुजरात है और जी फॉर घोल है, तो जी जी दोनों जी से आ गया, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जी फॉर गुजरात और जी फॉर घोल फिश, है ना। तो गुजरात घोल है, ठीक है। तो ये गुजरात का घोल फिश, इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया, ये हमारा करंट अफेयर्स का है। बोला गया है कि घोल फिश हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फिश ऑफ स्टेट फिश ऑफ गुजरात, ठीक है। अब ये जो है अनाउंसमेंट किया गया यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल के द्वारा, ठीक है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, ठीक है, जो कि कहाँ पे गुजरात साइंस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। घोल फिश साइंटिफिकली नोन एज प्रोटोनीबिया डायकंथस, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन स्पैनिंग फ्रॉम द पर्सियन गल्फ ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। कॉमनली रेफर्ड एज द ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश, ठीक है। इट होल्ड्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन मेनी कोस्टल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये घोल फिश आपको ध्यान में रखना है, कहाँ का स्टेट फिश, गुजरात का। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड फिशरीज डे 2023। वर्ल्ड फिशरी डे जो है हर साल नवंबर 21 को हर साल मनाया जाता है सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। और ग्लोबल इवेंट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेसिंग फिशरीज, इंक्लूडिंग ओवर फिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं फिशरीज में, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये हर साल वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है नवंबर 21 को। और सबसे वो है कि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि शुरुआत कब हुई थी। तो ट्रेस्ट बैग इन 1997 when the World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers convened in New Delhi, ठीक है। This forum founding declaration advocate for global mandate of sustainable fishing practices and policies, ठीक है। तो ये World Fisheries Day 21 November आपको ध्यान में रखना है। अगला है Microsoft names अपर्णा गुप्ता एज लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, ठीक है, GDC ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के ये लीडर अनाउंस की गई है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अपर्णा गुप्ता एज द न्यू ग्लोबल डाइवर्स डिलीवरी सेंटर लीडर, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि जो है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर जो है सर्व एज द डिलीवरी आर्म ऑफ इंडस्ट्री सॉल्यूशन डिलीवरी। ओवर द ईयर इट हैज बीन एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट टू इंक्लूड टू मोर लोकेशंस, बैंगलोर और नोएडा, ठीक है। तो एक साल के अंदर बैंगलोर और नोएडा में स्टार्ट किया गया है। अपर्णा गुप्ता जो है 25 ईयर्स की इस इंडस्ट्री में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें, ठीक है, और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। और शी हैज कंसिस्टेंटली मेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा था। अगला है ममता बनर्जी
नेम्स सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसके द्वारा ममता बनर्जी के द्वारा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी डिक्लेयर्ड फॉर्मर क्रिकेटर एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई और सौरव गांगुली एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं बीसीसीआई के और क्रिकेट प्लेयर हैं और अब ये बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसिंग हर रेशनल फॉर चूजिंग सौरव गांगुली एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ममता बनर्जी सेड सौरव गांगुली इज अ वेरी पॉपुलर फिगर एंड ही कैन वर्क फॉर द यंग जनरेशन इन वेरी गुड मैनर। ठीक है, अब देखिए कि ममता बनर्जी ने इनॉगरल एड्रेस एट बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 अनवील्ड अ सीरीज ऑफ एम्बिशियस पॉलिसीज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, सौरव गांगुली को बनाया गया है। अब आते हैं अब ये करंट अफेयर्स पर। अगला है आईआईटी रोपड़ डिस्कवर्स रेयर मेटल टेंटालम इन सतलज रिवर पंजाब। ठीक है, तो ये आईआईटी रोपड़ है, रोपड़ जो है इन्होंने डिस्कवर किया है क्या टेंटालम, एक रेयर मेटल है, कहां पर, तो सतलज रिवर में। ठीक है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैज बीन मेड बाय द टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़। ठीक है, तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये डिस्कवरी किया गया है, डिस्कवर किया गया है। द टीम हैज आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ टेंटालम अ रेयर मेटल इन सैंड ऑफ सतलज रिवर इन पंजाब। टेंटालम विद द एटॉमिक नंबर 73 इज अ रेयर एंड रिमार्केबल मेटल। दिस मेटल इज ड्यूसिटाइल इट इज प्योर फॉर्म अलाउइंग इट टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। नोटेबली टेंटालम हैज एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट सरपास्ड ओनली बाय द टंगस्टन एंड रेनियम। ठीक है, तो इस तरह से टेंटालम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। ठीक है, वेयर कैपेसिटर्स मेड फ्रॉम द मेटल कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉलर साइज विद मिनिमम लीकेज कंपेयर टू अदर कैपेसिटर टाइप्स। ठीक है, तो ये अब आ सकता है कहाँ डिस्कवर किया गया है और कौन सा मेटल है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है सैफ्रन फ्रॉम किश्तवाड़ इन जम्मू कश्मीर गेट GI टैग। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग अलग अलग क्षेत्र के इम्पोर्टेंट या वहाँ पे पाए जाने वाले स्पेशल किस्म के लिए दिया जाता है और वही ये GI टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के सैफ्रन को। ठीक है, और किश्तवाड़ सैफ्रन प्राइस इस कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर हैज रिसेंटली बीन बेस्टोवेड विद द prestigious geographical indication by the geographical indication registry. ठीक है, saffron with its Sanskrit name kumkum और लोहित stands as a cultural heritage in the region. The spice is also utilized in medicines and as a staple, digestive, sedative and halident flavor of the flavor in cooking. ठीक है, known as saffron in Persian, it is not just a condiment used in cooking but also find its place in Hindu tradition. Hindus in India use saffron as a mark tilak on the forehead, considering its aroma and color as auspicious. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, GI टैग मिला है सैफ्रॉन को। उसके बाद है ब्लू डार्ट, ये हमारा अगला करंट अफेयर्स है। बोला गया है कि पार्टनर्स विद इंडिया पोस्ट टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विस एट पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हैज अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट टू इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर एट
सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, दिस इनोवेटिव कोलैबोरेशन एम्स टू रिडिफाइन द लैंडस्केप ऑफ एफिशिएंट एंड रिलायबल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद एन एडिशनल एंड कन्वीनियंट डिलीवरी मेथड। दिस लॉकर्स एलिमिनेट द नीड फॉर पर्सनल रिसिप्ट और साइनिंग फॉर पैकेजेस offering consignee a hassle free or secure method to retrieve their shipments। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा शहीदी दिवस है ना, और मार्टार्डम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर है ना। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें और द 9th ऑफ द 10th gurus who founded the Sikh religion and was the leader of Sikhism, Sikhs from the 1965 until his beheading in 1665 से 75। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर है ना। और इनको जो है औरंगजेब के द्वारा जो है एग्जीक्यूट किया गया था, और उसके बाद इनकी इनके जो है गुरुद्वारा सीसगंज ये हमारा है, आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले इनके बैकग्राउंड को देख लें। तो ही वाज बोर्न इन अमृतसर पंजाब इंडिया इन 1621 एंड वाज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद। ठीक है, छठे गुरु थे हरगोबिंद, और उनके बाद ये उनके पुत्र 9वें गुरु बने। और ही वाज अ स्पिरिचुअल लर्नेड स्पिरिचुअल स्कॉलर एंड पोएट हुज 115 हाइम्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, 115 इनके हाइम्स जो है गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया है। और गुरु तेग बहादुर जो थे, इनको औरंगजेब, जैसा कि मैंने पहले बताया, इनको अपने कैप्चर में बंदी बना लिया था द सिक्स्थ मुगल एम्परर औरंगजेब। और सिख होली प्रिमाइसेस गुरुद्वारा सीसगंज साहिब एंड गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब इन दिल्ली मार्क द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड क्रीमेशन ऑफ गुरु तेग बहादुर है ना। तो औरंगजेब के द्वारा इनका सर कलम करवा दिया गया था, और इसी दिन को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 24 नवंबर को। ठीक है, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है हमारा कि फोर इंडियन वुमेन साइन इन बीबीसी 100 वुमेन 2023 लिस्ट। ठीक है, तो भारत की चार महिला जो है बीबीसी के 100 पावरफुल वुमेन में इंक्लूड किया गया है, चार भारतीयों को। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि वो कौन कौन सी महिला है। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी रिसेंटली अनवील्ड इट्स 11th एडिशन ऑफ द बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट फॉर 2023 फीचरिंग इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन फ्रॉम वेरियस फील्ड अराउंड द वर्ल्ड विच इंक्लूड मिशेल ओबामा, अमाल कुलूनी, एताना बोनमाटी और अल एक्सपर्ट टिमनिट गेब्रू, ग्लोरिया टिमेन एंड अमेरिका फेरेरा एंड हुडा कटन। ये सब जो है ये फॉरेनर है। और भारतीय महिलाओं की बात करें 100 वुमेन में, ये ऊपर के कुछ लोग हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। और इंडियन जो महिलाएं हैं इंडियन वुमेन, उसमें है एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट नन जुस्टिमा जेंजिन पालमो, ये इंडियन है। और इन सबको बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये जो है बीबीसी जो है वो 100 वुमेन लिस्ट में रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ दीज फोर इंडियन वुमेन बट ऑल्सो हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्स फील्ड इंस्पायरिंग द अदर अराउंड द ग्लोब। ठीक है, अगला करेंट अफेयर्स है, बोला गया है कि वन वेव इंडिया बिकम द फर्स्ट फर्म टू गेट इन
स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, है ना। तो ये वन वेव इंडिया, वन वेव जो है ये भारती ग्रुप का एक सब्सिडियरी है। तो वन वेव इंडिया अ सब्सिडियरी ऑफ द भारती ग्रुप एंड पार्ट ऑफ द यूटेलसैट ग्रुप हैज रिसेंटली ऑब्टेंड अप्रूवल फ्रॉम इंडियाज स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस टू इनिशिएट यूटेलसैट वन वेव कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन द कंट्री। दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पोजीशन वन वेव इंडिया एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव सच ऑथराइजेशन मेकिंग इट द सोल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर टू सिक्योर ऑल नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स अहेड ऑफ द इट्स कॉमर्शियल लॉन्च। इन एडिशन टू द जनरल अप्रूवल फॉर कॉमर्शियल सर्विसेज यूटिलास्ट वन वेव हैज ऑल्सो सिक्योर्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू establish and operate two gateways in Gujarat and Tamil Nadu। ठीक है, तो ये दो हो गए। अगले करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि बेंगलुरु set to host Namma Kambala on November 25 to 26। ठीक है, तो Kambala the popular buffalo racing contest native to the coastal Karnataka region is all set to captivate the urban landscape of Bengaluru this weekend। ठीक है, ये पिछले वीक का है। द ट्रेडिशनल फॉग स्पोर्ट्स यूजुअली हेल्ड इन आफ्टरमैथ ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विल अनफोल्ड इट्स एक्साइटमेंट एट द आइकॉनिक प्लेस ग्राउंड्स ऑफ ऑन नवंबर 25 एंड 26। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय तुलुकोटा बेंगलुरु इट्स मार्क द फर्स्ट टाइम कंबाला हैज फाउंड अ वेन्यू इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु। Kambala is sports where buffaloes were driven through the slushy paddy field by the wife building farmer। ठीक है, तो ये होस्ट किया गया कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। और ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो वही है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2003 एक दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा इन नागालैंड। नागालैंड का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये आया था कि किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। शेड्यूल टू अकर फ्रॉम फ्राइडे दिसंबर 1 टू संडे दिसंबर 10, ठीक है, 2023। दिस 10-day एक्सट्रावेगेंजा इनिशिएटेड इन 2000 हैज इवॉल्व इनटू अ मेसमराइजिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ कलरफुल कस्टम्स रिदमिक बीट्स एंड म्यूजिकल नैरेटिव्स ऑफरिंग अ यूनिक विंडो इनटू द कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ नागालैंड। ठीक है, नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल कल्चरली सिग्निफिकेंट बर्ड एम्ब्रॉयडिंग फिडेलिटी ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ नागा फोल्क्लोर द हॉर्नबिल फेस्टिवल सिंबलाइजेज द कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, In 2023, it attracted 1,026 foreign tourists and 48,413 domestic visitors with an impressive local footfall of 90,816 totaling 140,299 visitors। ठीक है, तो इस तरह से ये धीरे धीरे अब फेमस होने लगा है। ठीक है, 2023 में कितने लोग विजिट करते हैं ये आने वाले समय में करंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अग्नि इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशंस बाय आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि द सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस CCRAS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज इंट्रोड्यूस द आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड to encourage Ayurveda practitioners to contribute, document and validate innovative medical practices for the betterment of educational and academic realms. Agni serves as the dedicated platform for Ayurveda practitioners to share their innovative practices and experiences across diverse disease conditions. ठीक है, तो ये एक तरह से
अग्नि जो है इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सभी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को हेल्प करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अनीश शाह टू एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ फिक्की, FICCI, फिक्की के प्रेसिडेंट इनको अनाउंस किया गया है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी, इंडस्ट्री बॉडी इज सेट टू वेलकम अनीश शाह एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट, होल्डिंग अ पीएचडी फ्रॉम क्रेंजी मेलोन्स टॉपर्स स्कूल ऑफ बिजनेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। शाह ब्रिंग्स अ वेल्थ ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन हिज न्यू रोल। ठीक है, तो इस तरह से ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। अगला है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो इंडिया और नेपाल के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, ये 17वां एडिशन था जिसमें इंडिया और भारत, इंडिया और नेपाल की मिलिट्री जो है कंबाइंड रूप से प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया, कहाँ पे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, फॉर द एनुअल इवेंट। ठीक है, एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम 24 नवंबर टू 7 दिसंबर 2023। ठीक है, तो अभी चल ही रहा है, अल्टरनेट्स बिटवीन द टू कंट्रीज अंडर स्कोरिंग देयर कमिटमेंट टू म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, प्राइमरी एम ऑफ सूर्य किरण इज टू इन्हांस इंटर इंट्रो क्रेडिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक मिलिट्री डोमेन। द एक्सरसाइज विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन जंगल वेलफेयर, काउंटर टेररिज्म, ऑपरेशन इन माउंटेनियस टेरिन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य किरण। अगला है, इंडियन रुपीज हिट रिकॉर्ड लो एट 83 रुपीज 38 पैसे अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो दिन पर दिन भारत का रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है। ठीक, और ये 83 रुपीज 38 पैसे पर पहुंच गया है। ठीक है, मार्किंग द स्लाइट डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज ऑफ 83 रुपीज 34। दिस ड्रॉप वॉज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज डॉलर डिमांड फ्रॉम ऑयल कंपनीज एंड इंटरवेंशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मिटिगेट द स्टीपर फॉल। द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रुपीज डिक्लाइन वॉज द हाइटेंड डिमांड फॉर डॉलर्स फ्रॉम ऑयल कंपनीज। दिस डिमांड कपल्ड विद RBI इंटरवेंशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द डे फॉरेक्स मार्केट डायनेमिक्स। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली इंटरवेंड द टू स्टेबलाइज द रुपीज प्रिवेंटिंग मोर सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन। डिस्पाइट दीज इफेक्ट्स द करेंसी क्लोज्ड एट न्यू लो इंडिकेटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन मैनेजिंग द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो ये इंडियन रुपीज जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आगे आएंगे, इंडोनेशियाज अनक करा करताऊ वोल्केनो इरप्ट। ठीक है, तो इंडोनेशिया का ये वोल्केनो है जिनका नाम है जिसका नाम है अनक काराकाटाऊ वोल्केनो। ठीक है, तो ये इरप्ट हुआ है, सिचुएटेड इन सुंदा स्टेट, अनलीस्ड पावरफुल इरप्शन ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग कास्टिंग अ वोल्केनिक एश क्लाउड अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर हाई इन टू द स्काई। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का वोल्केनो जो कि इरप्ट हुआ और जिसकी जो है आसमान में जो इसकी ऊंचाई थी 1 किलोमीटर हाई इन टू स्काई, जहां तक इनके एसेस जो है पूरा भर गया। द इवेंट मॉनिटर्ड बाय द वोल्केनोस ऑब्जर्वेशन पोस्ट मार्क कंटिन्यूएशन ऑफ हाइटेंड वोल्केनिक एक्टिविटी सिंस अप्रैल लास्ट ईयर। ठीक है, underscoring the growing concern over the volcano potential danger. ठीक है, at 6:29 AM local time अनक कराका
tau erupted for 136 seconds, releasing a column of ashes that reaches the significant height. ठीक है, observation post office officer Anagi Noyo Saputro reported that the ash was observed to be grey to black in color and intensity was notably thick towards the north. The eruption was accompanied by the prevailing winds carrying the ashes in northerly direction. ठीक है, तो इस तरह से ये आ सकता है कि हाल ही में किस कहां पे ये Krakatau volcano erupt हुआ है, तो इंडोनेशिया में, और नाम भी आ सकता है और कौन से स्टेट में, तो सुंदरा स्टेट में. अगला है नेपाल बिकम फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज. है ना, तो साउथ एशिया का पहला देश बना है जो कि सेम सेक्स मैरिज को मींस की परमिशन दे दिया है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल एडॉप्टेड इन 2015 टुक अ बोल्ड स्टेप बाय एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन. नेपाल बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू फॉर्मली रजिस्टर अ केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज. दिस इवेंट अकर्ड इन द डोडी रूलर म्युनिसिपैलिटी ऑफ Lamjung district of western Nepal, where the union of trans woman Maya Gurung 35 and gay man Surendra Pandey 27 was legally recognized. In 2007, Nepal Supreme Court had already set the stage by allowing same-sex marriage, laying the foundation for the recent groundbreaking development. Theek hai, fast forward to June 2023, when the Supreme Court issued the interim order in response to a writ petition temporarily legalized same-sex marriage. ठीक है, तो इस तरह से ये नेपाल जो है एशिया का, साउथ एशिया का पहला नेशन बन गया है. ठीक है, उसके बाद अगला है कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet has greenlit a center sector scheme allocating rupees 1261 crore for 2024-25 aimed at providing drones to women self-help groups. ठीक है, the objective is to be bring about a positive transformation in life of women engaged in agriculture and contribute to the overall growth of the sector. ठीक है, total 15,000 women self help group को ये दिया जाएगा. Various states situated in these identified cluster will be selected to receive drones for providing rental service to farmers for agricultural purposes. ठीक है, the scheme provides central financial assistance at 80% of the cost of drones and related accessories, ancillary charges up to a maximum of rupees 8 lakhs. उसके बाद है अब्दुल्लाही मेरी wins 2023 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड. ठीक है, अब्दुल्लाही मीर सोमाली रिफ्यूजी हैज बीन नेम्ड द 2023 UNHRC नानसेन रिफ्यूजी ग्लोबल अवार्ड लॉरेट. ठीक है, फॉर हिज वर्क चैंपियनिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रेन. आप देखेंगे कि ये जो रिफ्यूजी है दादाब रिफ्यूजी कैंप इन केन्या, और केन्या में ये रहते हैं, और हैज पुट ओवर 100,000 बुक्स इन द हैंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रेन एंड यूथ इन द कंट्री. ही विल बी प्रेजेंटेड विद द अवार्ड एज अ सेरेमनी इन जेनेवा स्विट्जरलैंड
ऑन दिसंबर 13, 2023। नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1954 एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू रिफ्यूजीज। ठीक है, तो यूएनएचआरसी नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कमेमोरेटिव मेडल एंड मॉनेटरी प्राइज ऑफ $100,000। द ग्लोबल लॉरेट इज एक्सपेक्टेड टू reinvest the prize in humanitarian initiatives they are being recognized for। ठीक है, तो ये था हमारा करंट अफेयर जिसमें हमने कवर किया नवंबर मंथ का पूरा, ये हमारा। तो इसके जो पूरे करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग पावर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लर्निंग पावर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और लर्निंग पावर ऐप पर भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इस सेशन में जिसे मैंने आज कवर किया है। तो आज के सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। Thanks for watching. Have a nice day.